Hello everyone, my name is Amit and yet again welcome back to my vlog Destinium World ka channel on YouTube. And right now I am in Gullu. अगर किसी को पता नहीं है कि गुल्लू कहाँ पर है तो गूगल मैप सर्च करो, पता लग जाएगा. आई एम जस्ट किडिंग. गुल्लू धर्मकोट के थोड़ा ऊपर है, 3 किलोमीटर. और अभी मैं थोड़ा सा हाइक करने जा रहा हूँ गुल्लू वाटरफॉल. और इसको नो नेम वाटरफॉल भी बोलते हैं क्योंकि अभी तक उसका नाम नहीं पड़ा. इट्स जस्ट दैट कि गुल्लू विलेज के बिल्कुल पास में है इसलिए उसको गुल्लू वाटरफॉल बोलते हैं. अभी मैं आकाश भाई के होम स्टे उसमें ठहरा हुआ हूँ. उसका लिंक मैं आपको नीचे दे देता हूँ कि कहाँ पर है. और गुल्लू में सिर्फ 4-5 ही प्रॉपर्टीज और काफ़ी अच्छी लोकेशन है. ये यहाँ से वैली पूरी दिखाई देती है इस प्रॉपर्टी से. एंड मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है. और ये आ रहा राहुल, ये छोटा सा बच्चा. हेलो. तो कहाँ जा रहे हैं पता है ना? गुल्लू. हाँ, अभी गुल्लू वाटरफॉल जा रहे हैं. देखते हैं क्या होता है. सब चलेंगे. लेट्स गो टुवर्ड्स गुल्लू वाटरफॉल. शेष आ रहा है. Why are you proud of me? Because आप मान ही गए finally चलने के लिए. Actually मैं ज़्यादा hike wike नहीं करता इसलिए they are proud of me. I'm feeling good. And मेरे साथ दो cutie doggies हैं. इसका नाम क्या है अंबे का? बुर्जी. अंडा बुर्जी. और दूसरे का टैजो. और आपका? अंबिका. अंबिका. और वो अरु. छोटी सी ट्रेल है वाटरफॉल की तरफ. और गुल्लू विलेज से करीब 35-40 मिनट्स लगते हैं डिपेंडिंग ऑन आपकी स्ट्रेंथ कितनी है. चलो भाई, चलो चलो चलो. तो एक छोटा सा कैफ़े आता है सनसेट व्यू कैफ़े. आप यहाँ पे बैठ सकते हो और चाय वाय. और नदी विलेज यहाँ से दिखता है. थोड़ी लाइट कम है यहाँ पर क्योंकि बहुत ही डेंस है यहाँ पर. काफ़ी अच्छी ट्रेल है वो जो आपने देखा था कैफ़े छोटा सा. वहाँ पे आराम से चाय, नाश्ता या फिर लंच, डिनर कुछ भी कर सकते हो विद अ ग्रेट व्यू ऑफ धर्मकोट वैली नदी विलेज व्यू. अभी बस ट्रेल को स्टार्ट हुए सिर्फ 10 मिनट ही हुए हैं. एंड ये कैफ़े आया था बीच में. ये थोड़ा सेक्शन आता है जहाँ पे पत्थर ही पत्थर है और नीचे खाई है. ये व्यू है यहाँ पर काफ़ी अच्छा. आप चलो मैं आ रहा हूँ वाटरफॉल के लिए. और कितनी दूर है? लग जाएगा आधा घंटा यहाँ से. आधा घंटा. मैजिक मशरूम. मैजिक मशरूम. इसको खाने से आप 10 साल जवान हो जाओगे. क्या बात कर रहे हैं. अभी और 10-15 मिनट बाकी हैं एंड ट्रेल थोड़ी नैरो है. वे बिल्कुल सेम है. एरो मार्क्स भी दे रखे हैं तो आसान वे है. बट ठीक है, कई लोग कभी कभी भटक जाते हैं. सो फाइनली मैं वाटरफॉल आ गया हूँ. नो नेम वाटरफॉल या फिर गुल्लू वाटरफॉल. यस, गुल्लू वाटरफॉल है. और ये है यहाँ का व्यू. काफ़ी कम लोग हैं. ये नीचे वाटरफॉल जा रहा है. यहाँ पे लोग नीचे जो है नहाते हैं. काइंड ऑफ अ नेचुरल पूल है. और ये वेव है और ये ऊपर एक और वाटरफॉल है. और ये डॉगी हमारे साथ, आपको पता है. यहाँ पर आपको कैंटीन मिल जाएगी खाने नाश्ते के लिए, बट अभी बंद है. मेरे सामने भैया जा रहे थे सिलेंडर लेने, उनका सिलेंडर ख़त्म हो गया था. एंड बाय गॉड की कसम ऊपर का जो व्यू है ना, बस ये एक्चुअली फैशन चल रहा है रील पे तो मैंने भी हाथ घुमा दिया. इट्स अ प्रीटी गुड प्लेस. 2-3 टूरिस्ट हैं यहाँ पर. हम थोड़ा लेट पहुँचे हैं क्योंकि अंधेरा होने वाला है. हमें थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा. सिर्फ हम आधे घंटे के लिए यहाँ पर है. अरूप की एक प्रॉब्लम हो गई थी कि अरूप की जो पीठ है वो थोड़ी डगमगा सी गई है
एंड वो फिसलते फिसलते बचा था एंड ये नीचे लेटा हुआ है। अरूप ठीक है? हाँ, कुछ बोलने की हालत में नहीं अरूप। यही वाटरफॉल है और आगे भी जाना है, आधा घंटा और ऊपर है और वहाँ नहीं जा रहे। तो ड्रोन पहुँचा देते, चलो थोड़ा सिनेमैटिक वीडियोस का मज़ा लिया जाए, थोड़ा शूट करा जाए और चश्मा उतार देते हैं क्योंकि जो खुली आँखों से देखने का मज़ा, सॉरी जो खुली आँसू अगेन सॉरी जो खुली आँखों से देखने का जो मज़ा है वो चश्मों में नहीं है। स्पेशल थैंक्स टू टैज जो हमारा साथी रहा इस वाटरफॉल नो नेम वाटरफॉल तक आने के लिए, एंड उससे भी ज़्यादा एक्चुअली दोनों के लिए सेम स्पेशल थैंक्स टू अंडा बुर्जी से हेलो ही इज इग्नोरिंग मी एंड आशीष थैंक यू सो मच, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, दिस इज गल्लू वाटरफॉल फॉर यू। यहाँ तक आने के लिए करीब 50 मिनट्स लगते हैं और हमने 50-55 मिनट्स में ये जगह कवर करी है। अब हम वापस जा रहे हैं, रात हो रही है, 7:15 बज रहे हैं एंड वी नीड टू गो बिकॉज इनिशियली जो रास्ता है ऊपर जाने का वो काफ़ी स्लिपरी है एंड हमें जाना बहुत ज़रूरी है और हम निकलते हैं यहाँ से। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड मीट यू इन माई नेक्स्ट वीलॉग, बाय।